खोलो ताला, जल्दी करो और लेके आओ सबको बाहर। उठो सब लोग, सुनाई नहीं पड़ रहा? उठो सब लोग। कल होटल की रेड में जो जो लड़कियां पकड़ी गई थी उन सबका मेडिकल चेकअप होगा। मेडिकल चेकअप? अरे सरकारी कानून है, ड्रग्स वगैरह लिया है क्या? कोई बीमारी है? नहीं ना, पर टेंशन नहीं लेने का, मेरा कितनी बार चेकअप हुआ है। चलो चलो बारी बारी से बाहर निकलना और कोई धक्का मुक्की नहीं होनी चाहिए। नहीं, को जरूरत नहीं है ये चेकअप पे। तो मैडम कल कानून से पंगा लिया था तो आज हवालात में हो, दोबारा कानून के रास्ते में आई ना तो जेल में मिलोगी, और इसे तो मेडिकल चेकअप के लिए जाना ही पड़ेगा। चल नहीं नहीं चल यहाँ रखो टेनी, तुम सब भी बाहर निकलो। प्लीज गॉड प्लीज, वो प्रेग्नेंट है, लेकिन लेकिन ये लोग उस बच्चे को किसी का पाप समझेंगे, नाजायज कहेंगे, और हमारा बच्चा नाजायज कहना है ये मैं नहीं होने दे सकती। इन दोनों के बाद अगला नंबर मेरा होगा। इन्हें पता चला कि मैं पेट से हूँ तो एक नाजायज बच्ची की कैरेक्टरलेस माँ बोलेंगे सब मेरे को। चलो आओ करने दीजिए ना प्लीज। मैं बोलूं नहीं है सर, प्लीज सर। अंकल एक फोन करने दीजिए ना प्लीज। ये जल्दी करो जल्दी। शोरवरी हेलो माँ, मैं शोरवरी बोल रही हूँ। शोरवरी माँ, आपकी कसम का मान रखते हुए आजकल पुलिस स्टेशन नहीं आए, भी टेनी को ये वचन दिया था कि मैं हमेशा टेनी की रक्षा करेंगे, मैं बात ये वचन को झूठा कैसे होने देती। तो मैं कल रात से हम पुलिस स्टेशन आई और मुझे जब बंद कर दिया है इन्होंने। क्या तो पुलिस के लॉकअप में? हाँ, लेकिन मैंने किसी को बताया नहीं है कि मैं भानुशाली परिवार की बहू हूँ। आप इस बात को भेज दीजिए जल्द से जल्द। अपनी बात को कसम दी थी यहाँ ना आने की, अब आप ही उन्हें भेज सकते, प्लीज भेज दीजिए ना। मेरी दी हुई कसम इस तरह से निभाई तूने? अपनी जगह शोरवरी को भेज दिया तेनी को छुड़ाने, अब वो भी लॉकअप में बंद है। What? शोरवरी लॉकअप में? अरे कब तक अपनी मनमानी करोगे तुम लोग? कब तक मैं तुम लोगों को बाबूजी के गुस्से से बचाती रहूंगी? शोरवरी पेट से है और ऐसी हालत में तूने उसे अब खड़े खड़े देख क्या रहा है? जा जाकर छुड़ा ला मेरी बहू को, मैं अपनी कसम वापस लेती हूँ। एक बात का ध्यान रखना, इस घर के मान सम्मान और बापूजी के नाम को कोई ठेस ना पहुंचे। अब जा जल्दी। नेक्स्ट नहीं, मैं चेकअप नहीं करा सकती,
मेरे को कुछ तो करना होगा। अरे ओ चलो आ जाओ, तुम्हारा ही नंबर है। अरे सुनाई नहीं देता क्या? लगता है गूंगी पह रही है। ले टनी, तेरा फोन आया है जमानत के लिए। अरे फोन आ गया, मेरे को मालूम था कि वो मेरी जमानत जरूर करा लेगा। देखा, ये लड़की कोई गूंगी बहरी नहीं है, ड्रामा क्वीन है ये, ड्रामा क्वीन। ले जाइए इसको चेकअप कीजिए। चलो चलो इधर। अब तेरे बचने का एक ही रास्ता है टीनी। नौटंकी है ये लड़की, चल। पुलिस वालों से भाग रही थी, मजाक समझा है तूने पुलिस को? मेडिकल चेकअप से बचना चाहती है। इसका मेडिकल चेकअप मैडम अच्छे से करना, इस लड़की में कुछ तो गड़बड़ है। चल आए। नाम क्या है तुम्हारा? टेनी। टेनी ठीक है, मैं तुम्हारा चेकअप कर। सांस लो। चलिए मैडम। आप जा सकती है मैडम, यहाँ साइन कीजिए। और याद रहे, अगली बार ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। जी। सर वो जो लड़कियों को ले जाया गया है मेडिकल चेकअप के लिए ले गए, उससे वो भागने की कोशिश कर रही थी लेकिन हमने उसे पकड़ लिया। फिलहाल उसका मेडिकल चेकअप हो रहा है, पहले से और ज्यादा स्ट्रिक्ट। सर ये इसकी मेडिकल रिपोर्ट्स हैं। क्या लिखा है सर? ये यस सर। सर इसकी तो सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, कुछ भी नहीं निकला, ना अल्कोहल ना ड्रग्स। ऐसा कैसे हो सकता है? ये पहले बाहर डाल सकते। इंस्पेक्टर ये बार डांसर थी, वो पेशा तो इसने जिंदगी की मजबूरियों के कारण चुना था, और वो पेशा तो ये कब का छोड़ चुकी है। मैं इसे पर्सनली जानती हूँ एंड आई एम 100% श्योर कि ये उस होटल में गलती से गई होगी। प्लीज रिलीज, क्योंकि इसका कैरेक्टर भी क्लीन है और इसकी रिपोर्ट्स। ठीक है ठीक है, वैसे भी इसके बेल के पेपर्स आ गए हैं। आप यहां साइन कर दीजिए। तुम नहीं जानती उस डॉक्टर को? तो फिर उसने तुम्हारी मदद क्यों की? ऐसे क्यों कहा? वो तुम्हें अच्छी तरह से जानती है। मेरे को नहीं मालूम, उसने मेरे से खाली मेरा नाम पूछा और बिना चेकअप के मेरे को बाहर भेज दिया। बोली कि मेरे को चेकअप की जरूरत नहीं है। तुम्हारा चेकअप नहीं किया उसने?
थैंक गॉड, ये तो मिरेकल हो गया। अच्छा ही हुआ। डॉक्टर मेरी फ्रेंड थी। पार्थ? मैं जानता था कि वो पुलिस के लिए काम करती है। जब मैंने टीवी पर न्यूज देखी कि रेड पर पकड़ी गई लड़कियों का मेडिकल चेकअप होने वाला है, तब मैंने उसे कॉल किया। तभी उसने बताया कि उसने मेरा चेकअप नहीं किया। जीतरे पर है तो जीतरे। आज तेरी वजह से ना लोगों ने मेरे को कैरेक्टरलेस नहीं बोला। मेरे रहते हुए तुम्हें ऐसा कभी कोई नहीं कहेगा, और बेहतर होगा अगर दोबारा तुम भी ये कभी ना कहो। लेकिन पार्थ, हमारी बेल, हमारी फैमिली लॉयर तो टाउन में ही नहीं है फिर। हाँ, मैंने दूसरे लॉयर को कॉन्टैक्ट किया, और तुम मुझसे बात ही मत करो। हाउ कुड यू, आई मीन, पुलिस के साथ इतना बड़ा पंगा, तुम जानती हो क्या हो सकता था? पार्थ, जाने देना, उसने जो कुछ भी किया मेरी और तुम दोनों की बच्चे की खातिर किया। नाराज मत तो माफ कर दे प्लीज। अच्छा ठीक है, पर तुम बताओ तुम वहाँ कैसे पहुँच गए? हमने तो तुम्हें लंच पर बुलाया था। मुझसे क्या पूछ रहे? तूने जो होटल का पता दिया था वहीं पे तो आई थी, तू जो लिख के गई थी, मैं वहाँ पहुँच गई। उसके बाद नहीं पता ये सब कैसे हुआ। कुछ तो गड़बड़ है। मुझे भी लगता है। पर अभी तो सब ठीक हो गया है ना? तो अभी हलो घर चलो। मेरे को इतनी भूख लग रही है, मेरी हालत खराब हो गई। फिर मैं 2-3 दिन सिर्फ खाने और सोने वाली हूँ। मेरे को सिर्फ और सिर्फ आराम करना है। मेरे को ये सब भूलना है जो कुछ भी हुआ। चलो टेनी, थोड़ी देर तुम गार्डन में बैठो ना। क्यों? तेरे को तो पता है ना मैं कब से गाड़ी में बिस्तरा बिस्तरा कमरा कमरा कर रही हूँ। फिर तू मेरे को यहाँ बाहर गर्मी में बैठने के लिए क्यों बोल रही है? मैं बाहर नहीं बैठूंगी, चल अंदर चल। तेरी प्लीज, थोड़ी देर के लिए यहीं रुक जाओ। तुम मेरे को फिर इसमें कोई सरप्राइज देने वाले हो? मेरे लिए कमरा वमरा सजाने वाले हो क्या? ठीक है जाओ, मैं बाद में आती हूँ। बने ना, थोड़ा जल्दी आना। तुम्हें पता है ना मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं सारी रात सोई भी नहीं हूँ। हाँ हाँ, तो कोई बात नहीं, तुम गाड़ी में बैठ जाओ, मैं एसी ऑन कर देता हूँ। एसी रहेगा तो तुम्हें गर्मी भी नहीं लगेगी और आराम भी मिल जाएगा। ठीक है, पर तुम दोनों है ना प्लीज जल्दी बुलाना मेरे को। चलें। मेरे मना करने पर भी तुम दोनों पुलिस स्टेशन गए, क्यों? पार्थ भाई को तो छोड़ो, बट शौर्य भाभी, आप प्रेगनेंसी की हालत में उस 2% की लड़की के लिए जेल चली गई। बापूजी, पार्थ ने आपकी बात बिल्कुल नहीं टाली। जैसा आपने कहा ना, इसने पुलिस स्टेशन में कदम तक नहीं रखा और ना ही हमारा नाम किसी के सामने खुलने दिया, है ना पार्थ? अच्छा 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 इंदु, मतलब बापूजी इतने में ही संतोष मान ले, है ना? मामला खत्म नहीं जेठानी जी। चलो तो सब चादर तान के सो जाओ, और ये भी भूल जाओ कि भानुशाली परिवार की बहू ने जेल में रात गुजारी, और वो भी ओछी गंवार छोकरी उस तेनकी के लिए। कौन सी गवार? कॉल गर्ल बोलो, कॉल गर्ल।
चल। खबरदार जो तुमने टैनी के खिलाफ दोबारा इन शब्दों का इस्तेमाल किया तो। देखिए बापूजी देखिए, अपनी बच्चन साली के लिए अपनी बहन को आंखें दिखा रहा है। रेवा दे पास रेवा दे, अगर आंखें दिखानी है ना तो उस टैनी को दिखाना जो होटल में गुल खिलाते हुए पुलिस रेड में पकड़ी गई। वो क्या कहते हैं सेजल, हाँ कैरेक्टर लेस छोकरी काकी। कुछ भी बोलो पर कभी मेरी इज्जत पे उंगली नहीं उठाना, क्योंकि टेनी अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेगी। और कल जो कुछ भी मेरे साथ हुआ उसमें मेरे को फंसाया गया है। क्योंकि जैसे ही मैं होटल पहुंची किसी ने मेरा फोन चुरा लिया, उसके बाद मेरे को कमरे में बंद कर दिया। अच्छा तो एक बात बताओ, उस बदनाम होटल में तुम खुद गई थी ना अपने पैरों पर चलकर? गई पर तभी मेरे को मालूम नहीं था कि वो होटल वैसी जगह, और मेरे को उस होटल में सौरवरी ने बुलाया था। क्योंकि मैंने तुम्हें होटल रिट्रीट बुलाया था टेरी। टेनी लंच के लिए तो हमने होटल रिट्रीट में बुकिंग की थी। नहीं पारक, मैंने खुद पढ़ा था कि उस पर्ची पे होटल लूपोल लिखा था। वाह भाभी, अब तो आपकी बहन आपको भी झूठा कह रही है। But don't worry, मेरे पास सबूत है कि शौर्वरी भाभी सच बोल रही है और ये टेनी झूठ बोल रही है। ये वही स्लिप है ना जो आपने टेनी के लिए लिखी थी? ये आप ही की हैंडराइटिंग है ना? ये स्लिप मुझे टैनी के रूम से मिली। इस पर होटल रिट्रीट ही लिखा है, होटल नुपुर नहीं। नहीं, ये वो पर्ची नहीं हो सकती, क्योंकि वो पर्ची तो मैं खुद अपने साथ लेके गई थी और उस पर होटल नुपुर ही लिखा था। जरूर इस घर में किसी ने मेरी पर्ची बदली। वाह, अब तुम इस पूरे घर पर झूठा होने का इल्जाम लगा रही हो, यू चीप बाजारू लड़की। सेजल!